हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 नंबर तक सॉल्व करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में 1 से लेकर 4 तक मैं सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ वन एक्सरसाइज बुक इज ₹6.50, लेट अस फाइंड द प्राइस ऑफ 15 सच एक्सरसाइज बुक्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक कॉपी की जो प्राइस है वो 6.5 रुपया है, और तो 15 कॉपियों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर निकालना है कि 15 कॉपियों की कीमत क्या है। तो सबसे पहले चलिए बोर्ड में देखते हैं। द प्राइस ऑफ वन कॉपी, तो एक कॉपी की कीमत कितनी है, 6.5 रुपये, 6.50। तो यहाँ पर पूछा है कि 15 कॉपियों की कीमत क्या है, तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर द प्राइस ऑफ 15 कॉपीज इज इक्वल टू कितना होगा, 6.50 मल्टीप्लाई बाय 15, 6.50 मल्टीप्लाई बाय 15। तो बहुत ही इजी है, तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना होगा मल्टीप्लाई, 67.50। तो यहाँ पर क्या पूछा था, द प्राइस ऑफ 15 कॉपीज, तो एक कॉपी की कीमत कितनी थी, 6.5 रुपये, तो 15 कॉपियों की कीमत कितनी है, तो कितनी है दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके कितना आया, 67.50। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये बहुत ही इजी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। There are 12 packets of sugar in a box. The weight of each packet is 2.84 kg. If the total weight of box along with packet is 36 kg, let's calculate the weight of box. इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक बॉक्स में 12 पैकेट है, किसका, शुगर का। हर पैकेट का जो वजन है वो कितना है, हर शुगर पैकेट का जो वजन है कितना है, 2.84 kg। तो यहाँ पर जो बॉक्स की जो वेट है 12 पैकेट्स को लेकर वो कितनी है, 36 किलोग्राम। तो यहाँ पर पूछा है कि अकेले बॉक्स का वजन कितना है, जो चीनी के पैकेट्स को और बॉक्स को मिलाकर उसकी जो वेट है वो कितना है, 36 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अकेले चीनी को छोड़कर या फिर चीनी के पैकेट्स को छोड़कर के बॉक्स का वजन क्या है, तो वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए बोर्ड में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एक सुगर पैकेट का जो वजन है वो कितना है, 2.84 kg, तो 12 पैकेट्स का कितना है। देयरफॉर द वेट ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ शुगर, तो कितना होगा, तो ये तो हमको समझ में आ गया है कि एक पैकेट का जो वजन है वो कितना है, 2.84 kg, तो 12 पैकेट का कितना होगा, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2.84 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना होगा, 34.08 kg। तो ये क्या निकला हमारा कि 12 पैकेट जो शुगर है उनका टोटल वेट कितना है, तो कितना है, 34.08 kg, ठीक है। और शुगर और बॉक्स को एक साथ मिलाकर कितना वेट है, बॉक्स की जो वेट है शुगर को लेकर कितना है, वो है 36 kg। तो इसलिए हमको निकालना है कि अकेले बॉक्स का वजन कितना है।
तो इसलिए तो इसको क्या करना होगा, जो टोटल वेट है उससे चीनी का जो वेट है उसको माइनस कर देना होगा, तो जो निकलेगा वो हो जाएगा बॉक्स का वजन। देयरफॉर द वेट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 36 माइनस, अभी इससे माइनस कर देना होगा, 08 केजी, तो कितना आएगा 1.92 केजी। ठीक है, तो अकेले जो बॉक्स का जो वजन है वो कितना है 1.92 केजी। ठीक है, वो कैसे आप देख लेते हैं, यहां पर यहां पर इस तरह से माइनस कीजिए तो कितना आएगा 1.92। तो यहां पर देखिए, यहां पर उधार लेने से कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 में से फिर यहां पर एक उधार लेने से कितना होगा, यहां 9 बजेगा और यहां पर 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाने से कितना होगा 2 होगा, उसके यहां पर कितना बचा 9 बचा, 9 में यहां पर 9 ही होगा क्योंकि नीचे 0 है, तो यहां पर कितना बचा 5 बचा, 5 में 4 माइनस होने से कितना होगा 1 और 3 में 3 होने से 0, तो कितना आया और 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको और एक बार समझा देता हूं, मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 12 पैकेट्स ऑफ शुगर, मतलब 12 पैकेट चीनी है। ठीक है, तो एक पैकेट चीनी का जो वजन है वो कितना है 2.84 केजी, और चीनी के पैकेट को लेकर और बॉक्स की जो वेट है वो कितनी है, कितना है वो 36 केजी। तो यहाँ पर पूछा है कि चीनी के पैकेट्स की वेट को छोड़कर बॉक्स का वेट क्या है, तो देखिए यहाँ पर, तो इन दोनों को पहले द वेट ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ शुगर तो इतना है तो 34.08 केजी, और बॉक्स का जो वेट है तो कितना होगा, इनको माइनस कर देना होगा, तो कितना होगा 36 माइनस 34.08 केजी, तो माइनस करने से कितना आता है 1.92। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इज द कॉस्ट ऑफ 0.75 पार्ट ऑफ अ बैग ऑफ राइस इज रुपीज 1800, लेट्स फाइंड द कॉस्ट ऑफ 0.15 पार्ट ऑफ इट। यहां पर एक चावल का बस्ता है जिसका 0.75 हिस्से की जो कीमत है, 0.75 की जो कॉस्ट है वो कितना है 1800 है। ठीक है, तो यहां पर अब पूछा है कि 0.15 हिस्से की कीमत क्या होगी, तो चलिए बोर्ड में देखते हैं। तो यहां पर जो दिया है उसी के हिसाब से करेंगे, कॉस्ट ऑफ 0.75 पार्ट ऑफ अ बैग ऑफ राइस तो कितना है ₹1800। ठीक है, यहां पर 0.75 की जो पार्ट की जो प्राइस है वो कितनी है, वो ₹1800 है, तो एक पार्ट की कीमत कितनी होगी, तो यहां पर 1, तो 1 यहां पर लिखने से क्या होगा, ये उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, ₹1800 / 0.75। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट की जो कीमत है वो हो गया 1800 / 0.75। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है कि 0.15 पार्ट की प्राइस क्या होगी, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 0.15 एक पार्ट की जो कीमत है वो इतना है
तो 0.15 पार्ट की कीमत क्या होगी? तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1800 डिवाइडेड बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ठीक है, ये हमको कैलकुलेशन करना होगा। तो इसको देखिए यहाँ पर पॉइंट में है, तो इसको मैं और आसान बना दूँ जिससे कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई करने में या फिर डिवाइड करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए मैं इसको साइड में बना देता हूँ, 1800 ऊपर है तो ऊपर 1800 रह जाएगा, अब नीचे क्या है 0.75, तो 0.75 में से क्या लिखेंगे 75। अब वो कैसे आया देखिए, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बदले कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो क्या होगा 2 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 0.15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 यहाँ पर भी 100, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 15 का टेबल लेंगे, 15 5 75, ठीक है। तो अब इस 5 से ऊपर 1800 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 1 5 5 3 15, तो कितना बचा, 3 बचा, तो 5 6 30, तो 5 0 0, तो कितना आया, तो कितना आया यहाँ पर देखिए 360। तो अब 0.15 पार्ट की जो कीमत है वो कितनी है, 360। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, तो फिर एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो 0.75 पार्ट की जो प्राइस है वो कितनी है, 1800 रुपीज़ है, और तो अब निकालना है कि 1 पार्ट की कीमत कितनी है, तो कितनी है 1800 बाय 0.75। अब निकालना क्या है कि 0.15 पार्ट की प्राइस क्या है, तो क्या है, तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई में से क्या आया 360, तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनीता दी गैप 7/8 पार्ट ऑफ हर लैंड टू हर ब्रदर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड सी डिवाइड इक्वली अमंग हर 3 सन्स। लेट्स ड्रॉ अ पिक्चर टू शो द पार्ट ऑफ लैंड इच सन हैड गॉट। तो यहाँ पर एक लड़की है अनीता दी, तो उसने क्या किया, अपनी जमीन का आधा हिस्सा का 7/8 पार्ट क्या किया, अपने बड़े भाई को या फिर अपने भाई को दे दिया। उसके बाद जो बाकी बची जमीन है उस जमीन को वो अपने 3 बेटों में इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो चलिए फिगर में देखते हैं, तो एक जमीन है, ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब है कि एक जमीन है, तो यहां पर देखिए कि एक जमीन है उसका आधा हिस्सा का 7/8 पार्ट किसको दे देता है, अपने भाई को। तो पहले इसका आधा हिस्सा कर लेते हैं, तो ये हो गया आधा हिस्सा। तो इसका जो है मतलब यहाँ पर है कि आधा हिस्सा का क्या है, 7 हिस्सा जो है दे देता अपने भाई को। तो इसको पहले 8 हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है। तो कितना हिस्सा हुआ, 1 2 3 4, तो इसको 8 हिस्सा कैसे बनाएंगे, देखिए 8 हिस्सा हो गया, तो इस 8 हिस्सा में से क्या होता है, 7 हिस्सा आपने किसको दे देता, अपने भाई को दे देता है, और जो बाकी ये आधी जमीन है और ये यहाँ पर एक हिस्सा है ये सबको क्या करता है, अपने बेटों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हिस्सा भी अपने भाई को देता है, ये भी, ठीक है, सिर्फ ये हिस्सा नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी बाकी बचा और ये भी, तो इनको क्या करता है, अपने बेटों में वो डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हर
brother got, तो उसका भाई को कितना मिलता है, तो जमीन का पूरा हिस्सा क्या है, एक हिस्सा मान दे उसको, पूरा को क्या मान दे, एक हिस्सा, तो एक हिस्सा में से आधा का, आधा क्या आता है, आधा का 7/8 हिस्सा दे देता है, तो आधा क्या है 1/2 और कितना 7/8, ठीक है, तो कितना आएगा, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 16 और ऊपर 7 × 7, तो इतना पार्ट जो है वो अपने भाई को, तो इतना पार्ट जो है वो अपने भाई को दे देता है। तो अब बाकी कितना बचा, तो बाकी तो ये पूरा बचा और यहां पर एक हिस्सा बचा, ठीक है, तो अब कितना बचा देखते हैं। Therefore, the remaining part of लैंड, तो पूरा हिस्सा क्या है 1, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे जो अपने भाई को दे दिया, उसके बाद जो बाकी बचेगा वही तो बाकी बची जमीन है 7/16, ये हो गया पार्ट, ठीक है, तो देखते हैं कितना बचता है, तो 16 यहां पर एलसीएम लेंगे, 16 × 16 माइनस 7, नीचे 16 होगा, नीचे 16 होगा, तो अब यहां पर कितना बचता है 9, 16 में 7 माइनस करने से कितना बचता है 9, तो ये जो है बाकी बची जमीन है, तो इसको क्या करता है, अपने अनीता दी क्या करती है, अपने तीन बेटों को इक्वली डिवाइड कर देती है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। Therefore, each son got, तो अब हर एक बेटों को कितना मिला, तो कितना मिला, तो ये बाकी बची जमीन है इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 9/16 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो क्या करना होगा, तो देखिए क्या करना होगा, 9/16, तो अब देखो यहां पर अगर हम क्रॉस का निशान लेते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लेते हैं, तो क्या करना होगा, वो उलट जाएगा, उलट जाएगा मतलब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो अब उलट जाने से क्या होगा 1 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/3, तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या है 3 है और 1 है, तो 3 × 3, और नीचे क्या है 16 × 1, तो कितना होगा 16, हर एक बेटा को कितना मिला 3/16, ये पार्ट मिला, तो हर एक बेटा को कितना मिला 3/16 पार्ट, ठीक है, मतलब 16 हिस्सा में से 3 हिस्सा करके मिला, तो मैंने यहां पर आप लोगों को बना के देखा, बहुत इजी वे में, ठीक है, तो पहले आप लोगों को समझना है कि ये जमीन को यहां पर एक बनाना है, ठीक है, यहां पिक्चर बनाना है, तो पिक्चर एक जमीन बनाना है, उसके बाद उनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, एक आधा हिस्सा का क्या करना है 8 हिस्सा करना है, तो 8 हिस्सा में से 7 हिस्सा क्या करता है, 7 हिस्सा जो है दे देता है अपने भाई को, तो बचा यहां पर कितना एक हिस्सा, ये 8 हिस्सा में से एक बच गया और ये बाकी बची पूरी जमीन, इन दोनों को क्या करता है एक साथ जोड़ करके वो अपने तीनों बेटों को, तो अपने तीनों बेटों को डिवाइड कर देती है, ठीक है, तो हर एक बेटा को कितना मिला 3/16 पार्ट मिला, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको उस डाउट को क्लियर करेंगे, तो आज इतना ही तक रखते हैं, तो यहां पर अभी जो हम लोग बनाए 5 नंबर से 8 नंबर तक बनाया, ठीक है, इनमें से अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।